नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री के सुपरस्टारों से जुड़े कुछ स्पेशल खबरें। पहली खबर निरहुआ से जुड़ी आ रही है, क्योंकि निरहुआ की हाल ही में एक नई फिल्म का मुहूर्त हुआ है। इस फिल्म का नाम है अरब। साल की शुरुआत खेसारी लाल ने काजल राघवानी को छोड़ सुभीष शर्मा के साथ की है, क्योंकि खेसारी लाल ने एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू की है। जाल फिल्म है इसका नाम, और इसके लिए तगड़ी फीस भी खेसारी ने वसूली है। खेसारी की पहली फिल्म का मुहूर्त हुआ है, जिसका नाम है जाल। अक्षरा सिंह ने बीते दिन पहले एक बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट किया और एक वीडियो शानदार सोशल मीडिया पर डाली। निरहुआ की नजरें खेसारी की फिल्मों पर बनी हुई है। सैया अरब गईले नासक खेसारी हो चुके हैं बाहर, और पराग पाटिल ने कर लिया है निरहुआ आम्रपाली को साइन। क्या है पूरी जानकारी, जानने के लिए डालिए इस हमारे रिपोर्ट पर एक खास नजर। देखिए, बुल्स एंटरटेनमेंट की पहली पेशकश होने जा रही है खेसारी लाल के साथ पेश, क्योंकि नए साल की शुरुआत के साथ खेसारी को मिल गई है नई फिल्म, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। निर्देशक है M.I.R. राज। इस फिल्म में एक बार फिर से नई हीरोइन साथ नजर आएंगी, जिनका नाम है पूजा गांगुली, जो इससे पहले कुली नंबर 1 में भी खेसारी के साथ काम कर चुकी है। सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि खेसारी के साथ इस फिल्म में शुभी शर्मा भी नजर आएंगी। एक लंबा वीकेंड मनाने के बाद खेसारी लाल ने जाल फिल्म का मुहूर्त कर लिया है। जल्द ही शूटिंग से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आएंगी। मनोज कुशवाहा ने फिल्म की कहानी को लिखा है। फिल्म के मुहूर्त में खेसारी लाल ने भी पूजा अर्चना की थी, यानी आपको इस बार काजल खेसारी को साथ देखने के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा। पता नहीं अगली फिल्म में खेसारी काजल को साइन करें भी या नहीं। खैर, फिलहाल तो इस फिल्म की शूटिंग खेसारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन काजल को जब ये बात पता चली होगी तो क्या बीती होगी उन पर, आप लोग समझ सकते हैं। खैर, सुभाष शर्मा काफी खुश हैं ये सोचकर कि एक बार फिर से उन्हें खेसारी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले ये दोनों काफी सारी फिल्में एक साथ कर चुके हैं। इनमें आतंकवादी है 2013 में इन दोनों ने एक साथ फिल्म की थी तेरी कसम। इसके अलावा छपरा एक्सप्रेस, मुकद्दर, तेरी कसम, देवरा पे मनवा डोले, इन सब के अलावा खेसारी लाल के साथ सुभाष शर्मा का स्टेज शो काफी पसंद किया जाता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि हमेशा हिट रहने वाली ये जोड़ी इस फिल्म के साथ क्या धमाल कमाल दिखा पाती है। इन दिनों भोजपुरी की एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहती हैं। अगर बात की जाए भोजपुरी के स्टार्स की, तो वो भी अपनी फिल्मों एल्बम के अलावा और भी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक बच्ची के साथ उसका जन्मदिन मनाती नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि ये जो फोटो है, इसमें उन्होंने कैप्शन के साथ लिखा है #happybirthday, #mycopycat, #didi'sdaughter, जिससे आप समझ गए होंगे कि उनकी दीदी की बेटी है, जो कि अक्षरा सिंह की कॉपी कैट खुद अक्षरा सिंह उसे बता रही है। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह को बच्चों से यूं तो बहुत प्यार है, क्योंकि उन्हें कई बार अपनी फिल्मों के सेट पर भी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा जा चुका है। और साथ ही साथ जब बात हो परिवार की, तो अक्षरा हमेशा से ही अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं, और साथ ही साथ अपने फैंस के लिए भी वो ढेर सारा प्यार बरसाती नजर आती हैं। तो बता दें आपको कि अक्षरा सिंह ने हाल ही में अपनी भतीजी का जन्मदिन मनाया है और उन्हें ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। इस साल आने वाली काफी सारी फिल्मों की शूटिंग पिछले साल ही हो चुकी है, और इस फिल्म में काम करने के लिए फिल्मी सितारों को पिछले साल ही काफी सारी फिल्में मिल चुकी हैं। लेकिन साल की शुरुआत होते ही बाकी के स्टारों को नई नई फिल्में फिर से मिलने लगी हैं, और इनमें से 2 कलाकारों 3 कलाकारों की फिल्म के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन हाल ही में निरहुआ की एक नई फिल्म का नाम सामने आया है, जिसका मुहूर्त बीते दिन पहले बड़े धूमधाम से किया गया। इस फिल्म का नाम है अरब, जिसमें निरहुआ के साथ एक बार फिर से आम्रपाली दुबे नजर आएंगी। जी हाँ, निरहुआ आम्रपाली के अलावा इस फिल्म में अवधेश मिश्रा भी नजर आएंगे। हैरानी वाली बात तो ये है कि इस फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल हैं। मुंबई में ही इस फिल्म का मुहूर्त जबरदस्त तरीके से किया गया है। बहुत जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। इस फिल्म की कहानी अरब के लोगों पर बनी है, जो अपना घर बार छोड़कर अरब नौकरी करने जाते हैं। वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। संघर्ष के बाद पराग पाटिल निरहुआ के साथ फिल्म बनाने में जुट चुके हैं। अब देखना ऐसे में दिलचस्प होने वाला है कि खेसारी के बाद निरहुआ पराग पाटिल की बनाई हुई कहानी से दर्शकों का कितना मनोरंजन कर पाते हैं।
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल के हुनर से तो आज तक उनके फैंस उनके प्यार के जाल में फंसते आए हैं, लेकिन अब वो अपनी फिल्म से पूरे बिहार को जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी तो अपने फैमिली वीकेंड मनाने के बाद खेसारी लाल ने शुरू कर लिया है जाल बिछाना, यानी अपनी फिल्म की शूटिंग करना। जी हाँ, उनकी अगली फिल्म का नाम ही है जाल। इस फिल्म की शूटिंग के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें खेसारी के पास देखने को मिली है एक बंदूक और कई सारे रुपए सामने रखे हुए। देख पा रही होंगे आप सब इस तस्वीर में कि खेसारी लाल के आसपास कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। अब ये पैसे खेसारी के फीस का हिस्सा हैं या फिर शूटिंग का, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन सुनने में आया है अपनी इस फिल्म के लिए खेसारी ने भारी फीस ली है। इस फिल्म में खेसारी के साथ दो हीरोइने हैं, जिनमें एक सुधी शर्मा और दूसरी हैं पूजा गांगली, जो कुली नंबर वन में भी खेसारी के साथ दिख चुकी हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि खेसारी किसी नई हीरोइन के साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन पूजा को उन्होंने दोबारा अपनी फिल्म में लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पूजा गांगुली की अदाकारी में आखिर ऐसा है क्या जो खेसारी लाल उनके साथ बार बार काम करने के लिए तैयार हो गए। फिलहाल दर्शकों को एक तरफ निराशा भी है ये सोचकर कि काजल राघवानी खेसारी के साथ इस फिल्म में नजर नहीं आएंगी। फिल्मों को लेकर फिल्मों का छीनना और फिल्मों का एक्सचेंज होना काफी बार फिल्मी कलाकारों के बीच मनमुटाव पैदा करवा चुका है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक स्टार की फिल्म को बाद में दूसरा स्टार साइन कर लेता है। ऐसे ही खेसारी लाल के साथ पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, क्योंकि खेसारी लाल की काफ़ी सारी फिल्में निरहुआ को मिलती जा रही हैं। कुछ दिनों पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि खेसारी लाल की फिल्म वंदे मातरम अनंजय रघुराज ने खेसारी के बाद निरहुआ को दे दी थी, और उसके बाद हाल ही में फिल्म डायरेक्टर पराग पाटिल ने खेसारी लाल की फिल्म सैया अरब गैले नामे भी निरहुआ को चुन लिया है। बल्कि इन दोनों ही फिल्मों के लिए सबसे पहले खेसारी लाल को चुना गया था। खेसारी लाल को समय ना मिल पाने के कारण ये फिल्म छोड़ी गई है या फिर इसके पीछे का कोई और कारण है, ये तो बात खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन फिल्मों के छीनने से और एक दूसरों के पास फिल्में जाने से दोनों के बीच मनमुटाव जरूर हो सकते हैं, क्योंकि ना तो खेसारी लाल ने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र अभी तक किया था और ना ही निरहुआ ने। अचानक फिल्मों का एक्सचेंज होना इंडस्ट्री पर कैसा असर डालता है और फैंस के लिए क्या लाता है, ये देखना तो दिलचस्प होगा ही, लेकिन साथ में ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म छीनने के बाद निरहुआ और खेसारी में दोस्ती पहले जैसे ही बरकरार रहती है या फिर पड़ जाती है दोनों के रिश्ते में दरार। आज के सुपरस्टार स्पेशल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री से जुड़े सुपरस्टारों से जुड़ी स्पेशल खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।